हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। और मैंने अमेजोन से अभी ऑर्डर डाला था एक वॉशिंग मशीन का, जिसकी ऑन टाइम डिलीवरी हो गई है। आप ये देख रहे होंगे, मैंने सोचा आपको भी ज़रूर दिखाती हूँ। एनयू ब्रांड की तरफ से है ये, सेमी ऑटोमेटिक है, 9 kg की ये मशीन है। आप ही के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, फिर डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में और इसमें क्या क्या खासियत है। चलिए पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने किस लिए मंगाया है, क्यों ये मुझे इतनी पसंद आई। बहुत अनबॉक्सिंग तो मैंने इसकी पहले ही कर ली थी, फिर सोचा थोड़ी बहुत आपके सामने करूंगी। अनबॉक्सिंग तो हो गई इसकी। इसका डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, काफी स्टर्डी सा है और यहाँ इसके नीचे व्हील्स भी दिए हुए हैं। और इधर यहाँ पर ये ऊपर जो है इसका लिड टफ एंड ग्लास का बना हुआ है, एकदम अच्छे से इसका व्यूज होगा अंदर इसके टब का, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ये देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं, ये वॉश करने वाला टब है। चलिए अब इधर दूसरे वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का है ड्राई करने वाला। और ये रहा, और ये कोरोजन फ्री है, क्योंकि 9 kg की कैपेसिटी है इसकी, तो इतनी बड़ी मशीन लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप डेली जो कपड़े धोने का जो बहुत बड़ा टास्क होता है ना, उससे बच जाओगे, जैसे कि मैं बच रही हूँ आजकल, और अल्टरनेटिव डेज पर धोती हूँ, तो इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है, अपने लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है इससे। इट इज़ रेसिस्टेंट टू वाटर स्प्लैशेस, 2 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड 5 ईयर्स मोटर वारंटी। और अगर आपको और भी क्वेरीज कुछ हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर भी एक नंबर दिखाऊंगी, और साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दे दूंगी। आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए पहले इंस्टॉल कर लेते हैं इसको और फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बेहतर हैं। ये यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है, और ये इनलेट जो इसका पाइप है, यहाँ से पानी आएगा, वो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसमें कपड़े धोकर आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैनुअल भी आया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो उस मैनुअल से आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज़ करना है। ये रहा इसका मैनुअल। यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं इसके अंदर, और अभी इसमें डिटर्जेंट भी डालूंगी, 1½ स्कूप इसमें डाल दिया मैंने डिटर्जेंट। इसमें मैंने डिटर्जेंट भी डाल दिया है, और यहाँ पर अभी ये सोप हो रहे हैं पानी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाटर स्प्लैशेज है ना, इससे क्या होता है कि जो डिटर्जेंट है बहुत ही अच्छे से पानी में घुल जाता है और कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, बिल्कुल भी इसमें फिर कोई रेसिड्यू नहीं रहता है डिटर्जेंट का। पानी में अच्छे से सोख हो गए हैं, पानी मैं इसका बंद कर दूंगी और बस अब इसका क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है वो हम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं ये 15 तक लेकर आऊंगी, जो वॉश टाइमर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे नॉर्मल डेली वेयर वाले जो कपड़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो है वो पर इसको सेट किया हुआ है। इस मशीन में हायर कैपेसिटी और हायर परफॉर्मिंग मोटर है, जो कि हर फैब्रिक की क्लीनिंग और केयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। 15 मिनट हो चुके थे, बजर बज चुका था, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो यहाँ ड्रेन सेलेक्टर से जितना भी पानी है वो सारा मैं ड्रेन आउट कर दूंगी, और देख सकते हैं सारा का सारा जो पानी है वो बाहर निकल के आ रहा है। फिर जो इसके अंदर मैंने कपड़े डाले हैं, इस वाले टब से हटाने के बाद मैं स्पिन वाले टब में डाल दूंगी। इसका 1300 RMP कपड़ों को बहुत ही जल्दी सुखाता है। इसके फिल्टर्स कपड़ों से लिंट्स रिमूव करते हैं और फ्रेशनेस भी मेंटेन करते हैं कपड़ों में। जो वाटर है अब मैंने स्पिन वाले टब की साइड कर दिया है, और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कपड़े डाल दिए हैं, और अब इसका टाइमर सेट कर देती हूँ मैं। तो फिर मैंने इधर 2 मिनट तक का जो है वो टाइमर सेट कर दिया है। पानी स्टार्ट हो चुका है, स्पिनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें 2 मिनट के बाद फिर कपड़े निकालूंगी मैं, और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये कपड़े क्लीन हुए हैं।
पानी भी देख सकते हैं बाहर आने लग रहा है अब यहाँ पर। 2 मिनट हो चुके थे और यहाँ पर सारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से सूख चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बस हल्की सी अभी से धूप लगानी है और इसके बाद जल्दी ही कपड़े सूख जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे जो ये मशीन है इसका जो प्रोसेस था कपड़े धोने वाला काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छे से इन्होंने क्लीनिंग की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो वो नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा और कॉल करके पता कर सकते हैं आपको और भी कुछ अगर पूछना है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।